सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। होप यू गाइस आर एक्सट्रीमली वेल। तो गाइस, जैसे कि लास्ट वाले वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने मॉडिफिकेशन किया है मेरे बाइक का BS6 मॉडल में। तो अगर किसी ने नहीं देखी होगी तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप जाके देख लीजिए। आई होप आपको पसंद आएगी। तो अभी जो है ना, बाइक का पूरा नया लुक आ रहा है और बाइक की जो सर्विसिंग थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी बाइक में कुछ इशू नहीं है फिलहाल तो, और बाइक के परफॉर्मेंस भी काफ़ी सही चल रही है अभी। तो गाइज, आज का व्लॉग जो है ना काफ़ी खास होने वाला है, और एक खास चीज़ के लिए होने वाला है, क्योंकि हम लोग जो है बहुत ही जल्द शॉर्ट राइड स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब छोटे छोटे राइड जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो बस उसी की तैयारी चल रही है। ओके, सो थंबनेल में आपने जो भी देखा वो बिल्कुल भी सही देखा है, और कुछ भी यहाँ पे क्लिकबेट नहीं है। हमने परचेस किया है एक राइडिंग जैकेट जो कि अराउंड 1500 के करीब है, मतलब 1500 के करीब है। तो एक सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस, ये रहा वो राइडिंग जैकेट जो मैंने 1500 रुपये में परचेस किया है। ओके, सो गाइस, इसकी कोई पैकेजिंग या फिर कोई बॉक्स नहीं आया है, क्योंकि इसको जो परचेस किया है मैंने मेरे दोस्त से किया है। सो गाइस, ये जो है जैगुआर का राइडिंग जैकेट जो काफ़ी सही क्वालिटी में मेरे को मिल गया। सो मैं अभी आपको पहन के दिखा देता हूँ। ओके, सो गाइस, ये जो है ना जैगुआर का राइडिंग जैकेट है जो सही क्वालिटी में मेरे को मिल गया। एक्चुअली ये जो मैंने परचेस किया है मेरे दोस्त से किया है। कुछ ऐसा लुक आ रहा है अभी जैकेट के साथ। ओके, सो अभी एक सवाल आता है कि मैंने ये मेरे दोस्त से परचेस क्यों किया, बल्कि मैं नया भी ले सकता था, फिर भी मैंने मेरे दोस्त से क्यों लिया। इसके भी कुछ रीजंस है। उसने ये जैकेट जो है सिर्फ विंटर के लिए लिया था, और वो राइडिंग करता नहीं है और वो ज़्यादा यूज़ भी नहीं करता इस जैकेट को। और मेरा प्लान चल ही रहा था, मतलब कि ये जैकेट लेने का, क्योंकि बहुत ही जल्द हमारे राइड भी स्टार्ट होने वाली है। गियर्स वैसे भी लेने ही थे, मैंने सोचा कि इससे क्यों ना ले लूँ। तो मैंने उसको पूछा एक दिन, वो फटाक से रेडी हो गया। मैंने सोचा कि भाई इससे ज़्यादा अच्छी डील और कहीं पर नहीं मिलने वाली। सो बस मैंने ले लिया, और उसने जो है ना इस जैकेट को ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, मतलब 4 या 5 महीने बस यूज़ किया है सिर्फ विंटर के लिए। तो ये जैकेट जो है काफ़ी सही डील में अपने को मिल गया है। और नया जैकेट लेने के लिए भैया अपने पास इतना बजट नहीं है, मतलब ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं ले सकते नया जैकेट, लोग आज भी नया जैकेट ले सकते हैं। लेकिन यार अभी बहुत सारे प्लानिंग्स दिमाग में चल रहे हैं, तो आगे जाके आपको पता चल जाएंगे। और वैसे भी राइड स्टार्ट करने हैं, तो मैंने सोचा कि अभी जैकेट में पैसे इन्वेस्ट करना सही नहीं होगा। उससे अच्छा कुछ जुगाड़ करके अगर सस्ते में मिल गया तो बेस्ट है। और आगे जाके चैनल पे आपको बहुत ही जल्द एक सरप्राइज दिखने वाला है, सो स्टे ट्यून। अगर कोई नया होगा चैनल पे तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइस, काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि इसने यूज किया हुआ जैकेट लिया है नॉन। सो गाइस, ऐसा नहीं कि मैं अभी जैकेट नहीं ले सकता, मैं आज भी जैकेट ले सकता हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ। लेकिन मुझे अभी फिलहाल जैकेट में पैसे इन्वेस्ट करना सही नहीं लगता, क्योंकि मुझे जितना हो सके उतनी सेविंग्स करनी है, और क्यों करनी है वो आपको आगे आने वाले वीडियो में पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, जैसे ही अपनी लॉन्ग राइड स्टार्ट होगी वैसे ही हम लोग एक एक करके सारे गियर्स ले लेंगे, राइडिंग गियर्स ले लेंगे। फ्यूचर राइड देखने के लिए इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको अच्छे अच्छे राइड्स आगे आपको देखने को मिलें। कुछ इस तरह का लुक आ रहा है अभी जैकेट के साथ। तो मैं अभी आपको हेलमेट पहन के भी दिखा देता हूँ कि पूरा लुक कैसे आ रहा है। एक सेकेंड, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो रन लो। तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो गाइस, कुछ इस तरह का लुक आ रहा है अभी। आपको जैकेट के बारे में मैं कुछ बता देता हूँ। बेसिकली ये जैगुआर का है, जैसे कि यहाँ पे ब्रांडिंग देख सकते हो, यहाँ पे भी है।
यहाँ पे भी है और मेरे पीछे भी है। तो इसमें जो है ना नी गार्ड एल्बो गार्ड सब लगा हुआ है। और अभी इसके अंदर रेन लाइनर नहीं है, अभी ये विंटर के लिए, तो रेन लाइनर अपन अलग से खरीद लेंगे, सो उसका कोई इशू नहीं है। बाकी इसमें सेफ्टी गार्ड ऑलरेडी पहले से है, सो काफ़ी ओल्ड टाइप का है, लेकिन ठीक है यार, सस्ते में मिल गया वो काफ़ी अच्छी बात है। और इसमें जो है एडजस्टेबल स्ट्रिप नहीं है, तो एक कमी वो लगती है मुझे, ये काफ़ी बड़े हो जाते हैं, यहाँ पे एडजस्टेबल स्ट्रिप नहीं है। देखेंगे अगर कोई लगाता होगा तो हम लोग जो है इसको लगा के लेंगे। तो बस वही, तो गाइज होप यू गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को आगे की वीडियो देखने के लिए। स्टिल स्टे सेफ, स्टे ट्यून, बाय।